सूरी कैसा मजा किया तुमने हमारे साथ, कितना टेंशन हो गया था हम लोग को। हाँ। पार्टी में बुला के कोई आया था करते, और नहीं तो कि हमने पूरी रात बुक करा। ओ सॉरी भाई, एवरीबॉडी सॉरी। सूरी भाई, आपकी चिंता में हमारे रोशन भाभी रो रो कर आधे हो गए थे। हाँ पापा। हाँ, okay, सूरी भाई। आज से ऐसा मत करना। चल सूरी, अब वाहे गुरु जी के सामने वादा कर कि तू अब गोकुल नाम छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ओ वाहेगुरु जी के सामने मैं वादा करता हूँ कि मैं ना रोशन को, ना गोगी पुत्र को, ना ही मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों को कभी भी छोड़ के जाऊंगा। किसका फोन बज रहा है? आसित कुमार मोदी जी का, अटेंड करना पड़ेगा। एक मिनट। मेहता साहब प्लीज पीछे आके बात करो। और दया पापी जी, तुसी कैसे हो जी? एकदम चंगे जी, चंगे। हाँ आसित भाई बोलिए। अरे मेहता साहब, मैं सुबह से परेशान हूँ। परेशान हो गए क्यों, क्या हुआ आसित भाई? अरे भाई, हमारे सोड़ी किधर है? सोड़ी मिला कि नहीं? मुझे कितने फोन आ गए, सोड़ी किधर है, सोड़ी किधर है। अरे आपने बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया आसित भाई, सोड़ी मिल गया। अभी हम सब लोग सोड़ी के साथ गुरुद्वारे में ही है। ओहो, अरे वाह, तो सोड़ी मिल गया, क्या बात है। अरे बल्ले बल्ले, सोड़ी को फोन दो, सोड़ी को फोन दो। मैं बात कराता हूँ सोड़ी से। सोड़ी, सुनिए भोगी पुत्र मैं आता हूँ। ओ यारो, एक मिनट आया। आसित भाई का फोन है, बात कर। आसित रात, सत श्री अकाल, केम छो, मजा मा, सारू छे, सरस और जलसा। अरे भाई, जलसा जलसा है, सत श्री अकाल, तू किधर है भाई सोड़ी? अरे आसित भरा, मैं आ गया हूँ तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अपने गोकुल धाम में बजेंगे डोलन नगाड़े पताशे। डोल ताशे, डोल ताशे, डोल ताशे। अरे बहुत बहुत मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, हंसते हुए पीसेंगे आप दिन रात, और गोकुल धाम का आप कभी नहीं छोड़ूंगा मैं साथ। मैं आप सब लोग की खुशी के लिए एक सरप्राइज गेस्ट को भी लेके आ रहा हूँ। सरप्राइज गेस्ट? आप लोग जल्दी पहुँचो गोकुल धाम सोसाइटी में। ओ आ जाओ जी, आ जाओ, स्वागतम है, खैर मकदम और वेलकम आपका। अरे भाई, ऐसे ही हंसते गाते रहो सोड़ी, यही अच्छा लगता है। अरे वाह सोड़ी, तुसी आ गया, मजा आ गई। चंगा जी चंगा, सत श्री अकाल, आओ जो आओ जो। बेटा तू गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने भी बहुत खुशी है जी। ओ यारो, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और मेरी वजह से आप सबको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी मांगता हूँ। अरे इस पे तकलीफ किस बात की सुनी? हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में तो जानता है, रोज कोई ना कोई नई नई तकलीफ आती रहती है। और मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबको भी बहुत तकलीफ हुई,
उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ, और आपने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। असित्रा, जब मैं अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं था ना, तो ऐसा था जैसे मेरे शरीर में आत्मा ही नहीं है। तो अभी तो तू आ गया है ना, तभी हो जाएगा बल्ले बल्ले। ओ एकदम हो जाएगा जी, बल्ले बल्ले। ये सोसाइटी ऐसी है, यहाँ प्यार मोहब्बत भाईचारा संस्कार सब कुछ है। और तेरी प्यारी रोशन भी है। बस मेरी रोशन भी है, और ये गोकुलधाम सोसाइटी तो मेरा घर है, मेरा घरवंदा है। थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, अच्छा तो आप फोन पे कह रहे थे कोई स्पेशल गेस्ट आप लेके आने वाले हो, तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है, किधर है, कौन है भाई? वो सरप्राइज गेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर? स्टूडेंट स्टूडेंट बहुत बड़े स्टूडेंट है वो। ओ, मतलब पढ़ने में काफी होशियार है? वो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। और वो पढ़ाई में नहीं, शरारत में होशियार है। आशीष सर, हम लोग भी इतनी शरारत करते हैं, हमें भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब दे दो ना। गोलिया जरा शांत है। लेकिन आशीष भाई, वो गेस्ट है किधर? आप देखिए यही कहीं होंगे। देखिए सब उनको रिसीव करिए, उनको बुलाइए हमारी सोसाइटी में। देखो भाई कौन है, देखो चलो। अरे वरुण, इट्स ओके, ये तो इनके प्यार दिखाने का स्टाइल है ना मोरा रोशन? अब बिल्कुल मेरी सोनी रोशन। पर सर, ये प्यार है तो फिर गुस्सा क्या है? और रोशन उतार दूं? आ जाओ भाई, चक दे पट्टे। मैं पता दिल्ली इत्थे, दिल्ली ओ दिल्ली इत्थे, ये थाड़े दिल्ली च। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। तो हमारे गोकुलधाम वासी हो, आप सब लोग खुश हो गए ना? आज के स्पेशल हीरो वरुण धवन। बाय बाय। थैंक यू आसिफ भाई, आपने मुझे अपने स्पेशल सोसाइटी में स्पेशल गेस्ट बनाया, थैंक यू सो मच सर। वरुण सर, आपकी फर्स्ट फिल्म से हम आपके इतने बड़े फैन बन गए हैं कि पूछिए मत। हाँ सर, आप क्या कॉमेडी करते हो, आप क्या डांस करते हो, बल्ले 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 बल्ले। सर आपने क्या बॉडी बनाई है सर, एक बार वो दिल वाला स्टेप करके बताइए ना सर, प्लीज। दिल वाला स्टेप? सर मैं बता, एक मिनट आता हूँ सर। सर वो आप वो ऐसे करते ना। वरुण सर, आपका स्टाइल एकदम सॉलिड है। वरुण सर, आप मुझे बस इतना बताइए, आप खाते क्या हो? आप कितनी अच्छी बॉडी है, मुझे भी ऐसी बॉडी बनाना। तू ऐसा करना, तू खूब खा, लेकिन खाना नहीं, हवा खा, तेरी बॉडी बन जाएगी। क्या खूब कही। बहुत खूब। मुझे मत बोलना अभी हवा करने का। आप समझ ही जाते तो कहने। सर हमारे असली हीरो तो आप ही हो।
अरे आपके गोकुलधाम सोसाइटी में जो एकता है, जो प्यार है, मैं तो कहता हूँ ना कि असली हीरो तो आपकी गोकुलधाम सोसाइटी है। बहुत बढ़िया, क्या बात कही है, जबरदस्त। वरुण जी एक बात समझ में नहीं आया, आप इधर से किधर से आए? अरे गेट से एंट्री तो हर कोई करता है ना, लेकिन ये हीरो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आप लोगों को मंडे टू सैटरडे हर रोज देखता हूँ, और आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा शरारती हो। आप लोग तो इतनी बड़ी बड़ी शरारत करते हो, क्यों हाथी सर? तो मैंने सोचा एक छोटी मोटी शरारत मैं भी कर लूं। क्यों जेठा भाई, चलेगा ना? हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल। और वरुण आपसे एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा भाई, फिल्मों में सुपरस्टार्स होते हैं, हम सब उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन जवान दिलों की धड़कनें जो है ना वो समय के साथ बदलती रहती है, और आज तो मेरे ख्याल से जवान दिलों की धड़कन तुम ही हो, इसमें कोई शक नहीं। अरे नहीं नहीं, इतनी तारीफ मत कीजिए, थोड़ा और कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। भरी है इनके अंदर। वरुण बेटे, तुम्हारे पापा डेविड धवन जी ने क्या सुपर हिट कॉमेडी फिल्में दी हैं, लोगों को पेट भर के हंसाया है। अब तुम पर बड़ी जिम्मेदारी आई है, तुम भी कड़ी मेहनत करके अपने पिताजी की तरह इंडस्ट्री में सिक्का जमाओ और उनका और अपना नाम रोशन करो। डेफिनेटली सर। उनकी तो हर एक फिल्म के नाम ही नंबर वन है, कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, पता नहीं कितनी नंबर वन फिल्में बनाते रहेंगे। मुझसे शादी करोगी? वो ऐसी फिल्म बनाई थी ना उन्होंने। वैसे मैं तेरा हीरो के भी डायरेक्टर मेरे पापा डेविड धवन जी है, और इस पिक्चर में ना फुल ऑन कॉमेडी है, फैमिली कॉमेडी है, तो आप लोग प्लीज आके अप्रैल 4 को देखना जरूर, और फिर मुझे बताना कि आप लोगों को कैसे लगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग हमारे पैसे से टिकट खर्चा करके पिक्चर देखते हैं, तो अभी चिंता मत करना आप। हाँ प्लीज देखना। और आसिफ भाई, मैंने सुना है कि आप तो बहुत मस्त कॉमेडी कहानियां बनाते हो, तो ऐसी कोई अच्छी कहानी हो तो मेरे पिताजी को दे दो ना, हम भी उसको नंबर वन तरीके से बनाएंगे, क्या बोलते हो? थैंक यू अरुण, मेरे साथ पूरी टीम है, मेरे राइटर जीतू परमार, अब्बास, नीरेन, मेरे डायरेक्टर हर्षद मालव, हम सब लोग मिलके ये शो बनाते हैं। तो आसिफ भाई आप एक काम कीजिए, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की स्टोरी दे दो, तो डेविड भाई धवन जी सोसाइटी नंबर वन नाम की फिल्म बनाएंगे, मुझे आएगा। वरुण जी आपको एक प्रॉमिस देना पड़ेगा, अभी मैं भी पिक्चर बनाने जा रहा हूँ, तो आप मेरी पिक्चर में काम करेंगे ना? जरूर करूंगा, अगर दया भाभी है और जेठालाल जी और सब आपके गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग हो तो 100% करूंगा, क्यों नहीं करूंगा सर। वैसे वरुण भाई, इस मौके पर मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि पहली पिक्चर में आपने बहुत तरक्की हासिल कर ली। नहीं नहीं सर, अभी तो शुरुआत है, मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए प्लीज। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप चाहे तो मैं साबित भी कर सकता हूँ। ठीक है कीजिए। मुझे बताइए पहली पिक्चर में आपकी कितनी हीरोइन थी? एक। अभी दूसरी पिक्चर में कितनी हीरोइन है? दो। तो हो गई ना तरक्की। तीसरी पिक्चर में तीन, चौथी पिक्चर में चार, पांचवी में पांच। नहीं नहीं नहीं, इतनी में हैंडल नहीं कर पाऊंगा सर प्लीज। वो तो है भाई, एक मुश्किल से। वरुण जी, माई सेल्फ वरिष्ठ युवा पत्रकार, सीनियर मोस्ट यंगेस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर तूफान एक्सप्रेस। नाम क्या है सर आपका? पत्रकार पोपटलाल। अरे नमस्ते पोपटलाल जी, क्या बात है क्या बात है, पर इधर तो सब लोग कपिल कपिल में है, आप इधर अकेले क्यों खड़े हैं? आपकी पत्नी किधर है सर? वो नहीं है। Oh, I'm so sorry, sir. नहीं नहीं, मतलब ऐसे नहीं, मतलब है। हाँ ठीक है, तो किधर है वो, घर पे है? नहीं, वो मायके गई है। नहीं भाई, मैं खुद भी उसे कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। क्या भाग गई? अरे नहीं वरुण जी, दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है। आई एम द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द कंट्री। ओ सॉरी सॉरी सर, बट आपकी शादी होगी, जरूर होगी सर, ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी इतने सालों तक सुखी नहीं रह सकता, तो शादी होगी। हाँ, ये मतलब अगली बराबर नहीं है। वरुण जी, दूसरा आपसे ये पूछना था। हाँ सॉरी सॉरी, पूछे ना सर। कि हम आए दिन ऐसे सुनते रहते हैं कि फिल्मों के शूटिंग के दौरान हीरो हीरोइन का आपस में मतलब सच में प्यार हो जाता है, तो क्या ये सच है? अरे जेठालाल चलेगा चलेगा, एक्चुअली ना 50-50 का मामला होता है। देखा, देखो क्या होता है ना, कभी कभी प्यार हो जाता है, पर कभी कभी एक अफवाह होता है, एक रूमर होता है, यू नो, एक मतलब पब्लिसिटी स्टंट की तरह कुछ लोग कर लेते हैं ऐसा। अभी पोपटलाल जी, मान लीजिए
यहाँ पे ये स्वीट लेडी खड़ी है, मैं इनका हाथ पकड़ लूँ और इनको इधर बीच में ले आऊँ और इनके साथ एक स्लो रीमिक्स डुएट गा लूँ। अय्यर भाई, तो अभी मैं इनके आंखों में आंखें डालकर देखूं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि इनको मुझसे मतलब हाँ वो प्यार हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी। अरे इल्ले, 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 इल्ले। ए भाई पोपटलाल बोलो, समझा कि नहीं भाई? समझ गया, समझ गया। बेचारे कितने टाइम नहीं इनके पास, कितने सिखाएंगे पोपटलाल को? आ, बोलो, 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 जल्दी। लगभग हो गया, आर्टिकल लिख लिया मैंने। अब सच कहो वरुण, आपकी पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद तो सबको आपसे प्यार हो गया है, आप तो सबके दिलों पे छा गए हो। अरे दिलों पे राज तो आप लोग कर रहे हो, पिछले 5 साल से अब सबके दिलों पे छाए हुए हो। टू गुड, टू गुड, सच्ची में। दया भाभी आप, जेठालाल जी आप, तारक जी, अंजलि भाभी, अय्यर जी आप उदास क्यों लग रहे हो? आप भी टू गुड, टू गुड, सच्ची में। टप्पू सेना जिसकी तरह मैं शरारत करता हूँ मेरी फिल्म मैं तेरा हीरो में, डॉक्टर हाथी, कोमल भाभी, रोशन, सोडी, नट्टू काका, बागा, अब्दुल, आप सब ना सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हो। और आप सब गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग, आप मतलब टू गुड। थैंक यू जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। इसलिए एक्चुअली मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि मैं कॉमेडी जॉनर में घुस रहा हूँ ना, इसलिए मैं एक्चुअली आप सबके गुड विशेस लेने आया हूँ। और बापूजी आपका आशीर्वाद। ये तो तुम्हारा बड़क बल है बेटा। खुश रहो, खुश रहो। संस्कार ले एकदम। स्टूडेंट ऑफ द ईयर है ना। बेटा हम सबके आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। भगवान करे सब लोग तुम्हारी फिल्म देख के इतना हंसे कि हंस हंस के लोटपोट हो जाए। वाह बापूजी वाह। खुश रहो, खुश रहो। वरुण भाई भगवान करे आप इतने बड़े स्टार हो जाओ कि आपकी फिल्म 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ कमाए। उसमें से 10% इधर भेज देना। हमारी सोसाइटी में क्या है, फंड का बहुत प्रॉब्लम रहता है हमेशा। वैसे पिक्चर में काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और वरुण आई मस्ट से तुमने अपनी बॉडी इतनी अच्छी तरह मेंटेन की है, क्या सिक्स पैक्स बनाए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम हमारे गोकुलधाम वासियों को भी थोड़ी एक्सरसाइज सिखा दो ना, ताकि इनके भी सिक्स पैक्स बन जाए। नहीं 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 वरुण, अरे अभी मतलब ये आप इस उम्र में हम लोग सिक्स पैक बनाने जाएंगे तो हमारा पैकअप ही हो जाएगा भाई। अरे नहीं 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 एक्चुअली सर, मैं थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा बिलीव करता हूँ। वाओ, तो मैं एक्चुअली एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हाँ बताओ। आप मेरी हेल्प करेंगे जेठालाल जी? मैं, हाँ, हाँ। आप मेरे पैर पकड़िए। ओके अच्छा। नहीं नहीं अभी नहीं सर, मैं ऊपर आ रहा हूँ, आप मतलब मैं उल्टा। किसके? हाँ सर, रेडी? हाँ। अब जेठा भाई आप करके दिखाइए। मैं? हाँ, come on, you can do it. क्यों? हाँ, come on जेठा भाई। हाँ जेठालाल, come on, come on जेठालाल, करो करो, you can do it. हाँ, करो करो जेठालाल, yes yes. अरे मैं इनकी तरह उल्टा हुआ तो मेरे तो फाफड़ा फेफड़े बाहर आ जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहता हूँ, जो डांस है वो भी एक प्रकार की कसरत है, बराबर मानते हैं कि नहीं आप? हाँ ये बात भी सही है, है ना? तो हम लोग डांस करते ना, उसमें कसरत हो जाएगी और वजन भी कम हो जाएगा। आपकी बात भी सही है, लेकिन ये कसरत गरबा क्वीन के अलावा और कौन सिखा सकता है? हाँ हाँ बताइए। अरे दया भाभी मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। दया भाभी मारी बहु इच्छा छे तमारी साथे गरबा रमवानी। गुजराती बोल रहा है। वैसे तो वरुण भाई खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर पता है नहीं, नहीं बोलने दीजिए, इनको सुनना है तो सुनना है ना। हाँ बोलो बोलो। अब वो क्या है कि हमारे अहमदाबाद के बोर्ड में जब भी गरबा होता है ना तो मैं पहले नंबर पर आती हूँ, क्योंकि क्या है कि म्यूजिक शुरू होता है ना उससे पहले मैं गरबा शुरू कर देती हूँ, और म्यूजिक खत्म होता है ना उसके बाद मेरा गरबा बंद होता है, तो शुरू से लेके आखिर तक मेरा गरबा चालू ही रहता है, तो मैं नंबर वन पर आ जाती हूँ। तो बोलो श्री अम्बे माता की।
खुशियों की छाई है चहल पहल। सोढ़ी लौट आया गोकुलधाम में, यानी कि हर पल होगा धमाल मस्ती का पल। और अभी अभी सुपरस्टार यानी कि कल के सुपरस्टार और जमा दिलों की धड़कन वरुण धवन ने हमारे साथ खूब मौज मस्ती की। भाई हमारी शुभकामना है, तहे दिल से हम उनकी सफलता की प्रार्थना करते हैं। लेकिन अभी गोकुलधाम में बहुत कुछ होने वाला है। गोकुलधाम ऐसी फूलों की माला है जब हर वक्त कुछ न कुछ एक नई कहानी गुथी रहने को तैयार रहती है। कोई जबरदस्त आने वाला है, कुछ जबरदस्त होने वाला है, एक ऐसा जबरदस्त जो यूं तो महाकाय है और यूं नजर नहीं आता। कहीं कोई भूत तो नहीं, लेकिन मान लीजिए भूत भी है तो ये भूत डराएगा नहीं, हंसाएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.